गाइस वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग भी थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि गणेश चतुर्थी है कल और आज जो है स्टार्ट होने वाला जो गणेश उत्सव का पूरा भी है। सो काफ़ी सेलिब्रेशन हो रहा है उसका। एंड मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए कुछ सपोर्ट किया है कि नहीं। ऑब्वियसली किया ही होगा मेरे हिसाब से, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। एंड वहाँ की हम लोगों ने कॉन्ट्री तो किया ही है चंदा। सो काफ़ी मस्त मज़े आने वाले हैं 10 दिन। एंड आज मूर्ति स्थापना हो जाएगी, मूर्ति स्थापना जो भी बोलते हैं तो वो हो जाएगी। सो ब्लॉग में दिखा देंगे आपको। एंड आज थोड़े से जल्दी उठ गए थे तो ब्रेकफास्ट करने को मिल गया एंड काफ़ी अच्छा मस्त ब्रेकफास्ट बना था आज। उत्पम था, साउथ इंडियन में वो काफ़ी पसंद है। सो एक बार तो वहाँ करके भी आ गए मस्त पेट भर के और थोड़ा सा रूम में भी लेके आ गए थे। ब्रेकफास्ट मस्त बनता है भाई। इसके अलावा क्लासेस तो सस्पेंड हो गई हैं, बट जो बच्चे डीबार हुए हैं ड्यू टू शॉर्ट अटेंडेंस, सो उनकी रेमेडियल क्लास तो लगी रही हैं, वो अटेंड करना है अभी। बाकी सर की क्लास हुई अभी, सो उसमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई आजकल। क्यों आ रहा है थोड़ा सा डिग्निटी यार, इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ मैं। I mean, if I was earlier planning to invest 1 lakh भाई ये इकोनॉमिक्स की क्लास कर रही तो इसको अटेंड कर लेता हूँ मैं उसके बाद मिलते हैं। Later that same evening. भाई गणपति स्थापना तो दिन में हो नहीं पाई, 3 बजे का टाइम था, बट और प्रोटेस्ट वगैरह का अपडेट अभी देंगे हम आपको। थोड़ा सा ढीला पड़ गया प्रोटेस्ट। और एक्चुअली अभी मैं हूँ कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैं भाई RDVV के ग्राउंड में आया हूँ, ये जो स्पोर्ट्स वाला जो इनका कैंपस है ना वहाँ पे। सो क्योंकि हमारे कॉलेज में तो कोई खेलता नहीं है हॉकी एंड अकेला हूँ मैं, और एक दो लोग और खेलते होंगे तो पता नहीं मेरे को, बट ग्राउंड भी ठीक ठाक नहीं है तो हमने कहा चलो खेल के आते हैं। और 4 दिन पहले वैसे मैं यहाँ पे आया हुआ था, सो यहाँ के कोच वोच वगैरह से मैंने बात की थी कि सर मैं आ सकता हूँ कि खेलने, और जो हमारे NLU वाले कोच मतलब कॉलेज के जो कोच हैं उनसे भी मैंने बात की थी, उनका कोई कांटेक्ट था, तो समाउ मैंने मैनेज कर लिया था कि मेरे को परमिशन मिल गई यहाँ पे खेलने की। सो प्रोटेस्ट में लगे हुए थे तो इस चक्कर में आ नहीं पा रहे थे। सो अभी प्रोटेस्ट थोड़ा सा धीमा पड़ गया कि क्लासेस तो सस्पेंड हो गई हैं। सो मैंने कहा चलो खेलना स्टार्ट करते हैं वापस से हॉकी, क्योंकि स्कूल में खेलता था मैं, स्कूल में मैंने खेला हुआ 12th क्लास तक। इवन स्पोर्ट्स मीट वगैरह में भी हम लोग बाहर गए हुए हैं, रीजनल नेशनल तो नहीं गया हूँ, रीजनल गया हूँ। तो उसके बाद छूट ही गया था, अभी वापस से कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे लोग इसलिए नहीं दिख रहे हैं आज, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैं पूछ के तो गया था कि यहाँ पे आ सकता हूँ, बट पता नहीं था मुझे कि यहाँ पे आज कुछ मतलब स्पोर्ट्स कंपटीशन टाइप का कुछ है। तो सारे बच्चे सारे प्लेयर वहीं पे हैं। अब मैं आ गया यहाँ पे तो भैया मिल गए थे एक, ये तो हमने कहा चलो प्रैक्टिस ही कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि काफ़ी दिन से खेला नहीं हुआ था तो थोड़ा सा चूतिया कट गया, मतलब आज खेलने को नहीं मिल पाया ढंग से। बाकी अब ट्राई करेंगे, डेली आने का सोच रहा हूँ मैं। सो बाकी लोग काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, आएंगे। जिस दिन मैं पूछने आया था ना उस दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग थे एक्चुअली। भाई ये ग्राउंड देख के मेरे को मेरे कॉलेज के ग्राउंड दिखाने में शर्म आने लगी है। सोचो RDVV का तमस, मतलब अच्छा ग्राउंड है भाई, ठीक है, टर्फ नहीं है हॉकी वाली, बट स्टिल काफ़ी अच्छा ग्राउंड लग रहा है मेरे को तो। भाई ये चल रहा है क्रिकेट में, तो सारे जितने प्लेयर्स वगैरह हैं सब यहीं पे हॉकी वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, इस बच्चे से कोई नहीं आया आज वहाँ पे। भाई मस्त ग्राउंड है यार RDVV का, सारी वॉलीबॉल वाला ये वहाँ पे। Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. भाई 6 बज रहे हैं और जस्ट आए था हॉस्टल और गणपति जी आ गए, बस डांस डांस कर रहे हैं यहाँ पे। भाई नाचने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है लेकिन गुलाल डाल रहे हैं यार, इसलिए नहीं जा रहा मैं नाचने। बोल तो नहाना है मेरे को जाके, बट स्टिल कपड़े गंदे हो जाएंगे। We'll be right back.
अभी भाई प्रतिमा ला के रखी है बस, तो बाकी पूरा जैसी भी होता है डेकोरेशन वगैरह कल दिखाएंगे, कल के ब्लॉग में या बाद वाले ब्लॉग में। सो भाई नहा के आ गया हूँ अभी, एंड प्रतिमा भी आई है, गणेश चतुर्थी कल है, सो जो भी स्थापना वगैरह होती है, जो भी पूजा वगैरह होती है वो कल होगी, सो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मैं दिखा दूंगा। और ये पता नहीं भाई कौन सी गुलाल लेके आए थे, होली वाला कलर मिक्स था भाई, सब चीज़ों में मिलावट हो रही है, आखिर छूट ही नहीं रहा है। ये देखो भाई हाथ भी पता नहीं रेड रेड हो रहे हैं, पता नहीं कौन सा खतरनाक कलर था यार, छूट ही नहीं रहा, बहुत कोशिश कर ली। भाई मस्त मूवी आ रही है भाई, एक सब तरीके इसके सारे पार्ट देखे हुए मैंने, सारे पार्ट बहुत पसंद है। लास्ट ब्लॉग में भाई चूतिया बोला था, वर्ड्स वापस ले रहा हूँ भाई अपने, ये जा रहा है एनएलयू नागपुर, मिल गया इसे भी और इसका जो फ्रेंड था क्लब है उसे भी। भाई ये देख के तो डर गया मैं। अरे सर यार भाई जबरदस्ती टी शर्ट निकलवा के नचवा रहे हैं अंदर। अबे इनका बता रहा था मैं, भाई इन्हें देख के तो मैं डर गया, सोई थे ये, अबे क्या हाल बना के रखा भाई, गया गुजर भाई। ये तो लिटरली मैंने सच में पहली बार देखी यार, रोमित का रूम है ये वैसे। हाय रोमित जी, लॉ एक्सप्रेस मीडिया प्रभारी, मीडिया प्रभारी। कट कर दीजिएगा। कुछ नहीं होता, सब वहम है, सब कहने की बातें हैं, ऐसा तो कहा जाता है कि माधव जी मैं कहीं था ही नहीं भाई, दूर दूर तक मेरे रिश्ते नहीं है मीडिया से, कहने की बातें हैं ना, प्रोटेस्ट था ना कुछ। भाई सीरियसली यार ये बोर्ड में तो देख के डर गया हूँ भाई, ने इतने पुराने जमाने के यार, मतलब भाई जैन साहब बोल रहे हैं कि उनका जो पुराना घर है उसमें लगे हुए हैं, देखे हमने भी हैं, हमने भी देखे, बट हम एटलीस्ट ये बटने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लाइट उल्टी पड़ रही, बट भाई हम एटलीस्ट कॉलेज के हॉस्टल से ये बटन हमारे जो घर में लगे, हमने घर भी लगवाए हैं, हम घर का फील इधर भी लेंगे, हम घर का फील यहाँ लेना चाहते हैं, इसलिए हमने नागराज सर से स्पेशल रिक्वेस्ट पे लगवाए। सो गाइस नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। उसके अलावा भाई ये छूट ही नहीं रहा यार, मतलब खतरनाक वाला कलर था, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। भाई हम लोग हंस रहे हैं बस, यही देख लो बाकी जो शिव मुंह चपा रहा है, स्टोरी नहीं बता सकते भाई। हाँ फिर से हुआ कुछ तो।